दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। अपने इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती फॉर्म में आप कितनी बार सुधार कर सकते हैं, कोई अगर मेजर मिस्टेक हुई है, गलती हुई है। अब आप ये कैसे पता लगाएंगे कि मेजर मिस्टेक कौन सी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। कंप्लीट मैंने बताया हुआ है कि फॉर्म में कौन कौन से ऑप्शंस हैं और उसमें अगर वो गलतियां आपने की हैं तो उसके सुधार के लिए आपको फॉर्म अपना फिर से फिल करना होगा। वो कैसे होगा, इन दोनों चीज़ों के बारे में अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पर महेश एकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर बिहार स्पेशल नोट्स जो है वो आ चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार आप ज़रूर चेक करिएगा। केवल 50 रुपये में वो आपके नोट्स हैं और वहाँ पर कंप्लीट MCQs के साथ में थ्योरी भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर बात करते हैं एक फॉर्म, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक स्टूडेंट का फॉर्म है और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ रजिस्ट्रेशन डेट। इसकी स्टूडेंट का फॉर्म जो है वो गलत हो गया था, तो उसको फिर से पेमेंट करने के बाद कैसे कैंसिल किया गया था उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर 8/7/2023 की डेट आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो पेमेंट से पहले जब आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर लॉगिन करने के बाद अपनी सारी डिटेल्स जो PDF फाइल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करोगे, उसके बाद आपके पास में ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें दो ऑप्शन हैं, एक है आपका क्लिक हियर फॉर पेमेंट और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट योर इन्फॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा, तो अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है, मतलब आपने फॉर्म फिल किया ठीक है और उसके बाद आपने प्रीव्यू किया, आपने सबमिट कर दिया और आपको लगा कि अब उसमें कोई भी गलती हो गई है, आपको बाद में एहसास हुआ कि ये हमने गलत डाल दिया है, तो ऐसे में या फिर आप अपना फॉर्म एक बार इसे ओपन करके चेक ज़रूर कर लें। नहीं भी लग रहा है तो भी एक बार फॉर्म चेक ज़रूर करें। इसमें क्या होगा कि आपको 5 out of 5 अटैम्प्ट, मतलब 5 जो है मौके दिए गए हैं गलतियाँ सुधारने के लिए, लेकिन मैं वास्तविकता बता दूँ क्या है कि कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो ये डिसेबल कर देते हैं। बात समझ रहे हो आप, मतलब आपसे कहीं ना कहीं वसूली करनी है, चढ़ावा लेना है 750 रुपये का एक्स्ट्रा, तो ये काम इन्होंने किया हुआ है। केवल नाम मात्र का एडिट का दिया है। कुछ ऑप्शंस हैं जो इसमें डिसेबल हैं और उसकी वजह से जब वो ऑप्शन डिसेबल हैं आप सुधार कर नहीं पाओगे, तो आपके पास फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन ये बचता है कि आप जाइए और पेमेंट करिए। आप पेमेंट करोगे दोस्त, पेमेंट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से आपने पेमेंट किया और आपका रजिस्ट्रेशन, जैसे ये वही स्टूडेंट है आपका 8/7/2023 देख पा रहे होगी, और जब हम पेमेंट की डेट बात करते हैं तो 10/7/2023 नीचे यहाँ पर डेट भी देख पा रहे होंगे लैपटॉप से जो काम किया गया 10/7/2023 1 बजे रात में। अब यहाँ पर बात आती है कि इसे उस स्टूडेंट को क्या करना पड़ा, कैंसिल रजिस्ट्रेशन। अब इसमें इन्होंने लिखा क्या हुआ है, इफ़ यू वांट टू कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन देन क्लिक बिलो कैंसिल बटन बिफोर 12/7/2023 12 जुलाई लास्ट डेट है, उसके पहले आप क्या करोगे कैंसिल रजिस्ट्रेशन पर। मान लीजिए आपसे गलती कोई हुई है, आपको फिर से फॉर्म भरना है, 750 एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे, आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन पर कैंसिल कर दीजिए ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, जो आपने मोबाइल नंबर अपना दिया हुआ था ध्यान रखिए, उस पर फिर एक OTP जाएगा। क्या जाएगा आपका, एक OTP जाएगा और दोस्त OTP के बाद आप OTP उसमें डालोगे, जैसे ही सबमिट करोगे आपका फॉर्म तुरंत कैंसिल हो जाएगा। सारी डिटेल्स जो आपके फॉर्म में रही हैं BPSC के पास में सारी डिलीट हो जाएंगी एंड आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हो, आप री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आप कैंसिल करके फिर री रजिस्ट्रेशन इस चीज़ को कर सकते हो और प्रीवियस पेमेंट विल नॉट बी रिफंडेड, जो प्रीवियस पेमेंट है वो आपका रिफंड भी नहीं होगा। अब इनमें कौन सी चीज़ें हैं जिन पर आपको काम करने की ज़रूरत है, मतलब जो चीज़ आपकी गलत हुई है आपको सुधार करने की ज़रूरत है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। उसमें मैंने वीडियो दिया हुआ है, वो कल ही मैंने वो वीडियो बनाया था, उसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि अगर उन चीज़ों में आप आते हो तो आपको री रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत होगी, मतलब आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की फिर से ज़रूरत होगी। बाकी यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि वंस आई मेक पेमेंट आई विल नॉट बी एबल टू चेंज एडिट माई एप्लीकेशन, और जब आप पेमेंट कर दोगे तो कोई एप्लीकेशन आप एडिट या चेंज नहीं कर पाओगे, केवल आप कैंसिल करके फिर से री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप आधार कार्ड से रजिस्टर करते हो, आप सोचोगे कि हम लाओ पैन कार्ड से इस बार कर दें, DL से हम कर दें है ना, हम नंबर चेंज कर दें, हम ईमेल आईडी चेंज कर दें, तो कुछ नहीं होने वाला है। सब कुछ ट्राई करके देखा गया था, कुछ नहीं होगा। आपका एक बार डिटेल गलत गई तो गई, आपको कैंसिल करके फिर से पेमेंट करना होगा, तभी आपका काम होगा। BPSC इसमें काफी चालाकी दिखाया है, काफी हद तक दिमाग लगाया है। कोई और सवाल है आपका तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, एक और वीडियो में मिलेंगे जल्दी ही।